गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वंदन वेद चिल्ड्रन हॉस्पिटल वडोदरा से। तो आज हम लोग का ये थर्ड टॉपिक है फीवर का। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो है पैरासीटामोल कब दिया जाता है और कितने बार दे सकते हैं, और अगर पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा है तो दूसरी कौन सी दवाइयाँ आप बच्चों को दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बच्चों को देना है कि नहीं देना है, उसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा डेंजर साइंस मतलब होता है कि ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स बच्चे में आप देखेंगे तो तुरंत आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। आमतौर पर बुखार आने पर आप पैरासीटामोल बच्चे को दे सकते हैं, जिससे काफ़ी बार बुखार ठीक भी हो जाता है, लेकिन एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है। तो अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है तब मिलिए। बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, उसका गला स्टिफ हो गया है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, बॉडी का कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स दिख रहा है, बुखार 104 से ज़्यादा है, और अगर बुखार 5 दिन से ज़्यादा चलता है तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना पड़ेगा। बुखार के दौरान अगर बच्चा ठीक से खेलता रहता है, पानी पीता रहता है, खाना खाता रहता है, और उसका यूरिन आउटपुट भी ठीक है, और उसके स्वभाव में बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, तो फिर आपको बुखार के दौरान ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाई ग्रेड फीवर के वजह से जो बच्चों को झटके आते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में फेब्राइल सीजर्स भी बोलते हैं या फिर फेब्राइल कन्वल्जन्स। लेकिन फेब्राइल कन्वल्जन्स की वजह से आगे जाके बच्चे को एपिलेप्सी होगी कि नहीं, इसके चांसेस काफ़ी 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 कम होते हैं, और ज़्यादातर ये 5 साल के बाद बच्चे को नहीं आता है। ये बहुत बार हाई ग्रेड फीवर के वजह से होता है और पॉजिटिव हिस्ट्री भी होती है फैमिली के अंदर, लेकिन ब्रेन डैमेज या फ्यूचर एपिलेप्सी यूजुअली नहीं देखा जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे को नॉर्मली फीवर में क्या खिलाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल रहता है, उसको हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, पसी रहता है, डल रहता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसे थोड़ा थोड़ा खाना देते रहना चाहिए। एकदम सिंपल इजली डाइजेस्टिबल फूड दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पिला सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखिए, बच्चा अच्छे से रेस्ट ले और सो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है बीमारी में। लेकिन अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की तकलीफ बढ़ सकती है। बुखार आने पे सबसे पहली दवा जो दी जाती है वो होता है पैरासीटामोल। ये अलग अलग ब्रांड में अवेलेबल है और अलग अलग पावर में भी अवेलेबल होता है। सबसे पहली बार बुखार आए तो आपको पैरासीटामोल ही देना होता है, क्योंकि ये सबसे सेफ़ दवा मानी जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, रिलीफ दे जाती है। नॉर्मली ये मुंह से भी दिया जा सकता है और जहां से पॉटी करता है बच्चा उस जगह से भी दिया जा सकता है। ये ज़रूरत पड़े तो हर 4 से 6 घंटे में दिया जा सकता है और मैक्सिमम 4 टाइम्स पर डे दे सकते हैं। ये नॉर्मली 15 mg/kg के डोज से आपको डॉक्टर बताएंगे कैसे देना है। पैरासीटामोल बच्चे के बुखार, दर्द और बच्चे के इरिटेबिलिटी को कम करता है, और जब तक दवा की असर रहती है तब तक बच्चे की तकलीफ कम रहती है, और दवा की असर जैसे ही चली जाती है वापस बच्चे को बुखार आ सकता है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पैरासीटामोल बच्चे की खाली तकलीफ कम करता है, उसके कारण को कम नहीं करता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि बुखार नहीं उतरता है और बच्चे को तकलीफ ज़्यादा रहती है, तो फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए डॉक्टर बहुत बार आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड देते हैं, लेकिन इनका सेवन से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होता है, तो बिना डॉक्टर से पूछे ये दवा मत दीजिएगा छोटे बच्चों में। एस्पिरिन और निमेसुलाइड जैसी दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट्स छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कभी भी ये दवाइयाँ नहीं दी जाती है बुखार में। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे को एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्या एंटीबायोटिक हर बुखार में दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है,
क्योंकि मोस्ट कॉमन जो फीवर आता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, और वायरल इन्फेक्शन आपका शरीर खुद ठीक करता है और इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे को बुखार 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत कब, किस तरह, कौन सी एंटीबायोटिक आएगी, ये नॉर्मली आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। तो बिना डॉक्टर से पूछे बच्चे के लिए कोई भी एंटीबायोटिक मत दीजिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फीवर का कारण कोई भी हो, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 2 दिन पैरासीटामोल दे सकते हैं, और अगर 2 दिन के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं है वो एज अ पेरेंट्स आपको इतना नहीं पता चलेगा, वो डॉक्टर आपके बच्चे को देखेगा और फिर डिसाइड करेगा। बट नॉर्मली 80% to 90% केसेस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल पैरासीटामोल, साधारण डाइजेस्टिबल खाना और ठीक से पानी और रेस्ट बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और बच्चा रिकवर कर जाता है।